जहाँ पे भी कोई प्यारा पॉइंट आता है ना, वहाँ पे कोई ना कोई स्टॉल या कोई ना कोई होटल बनने चाहिए। लाहौर में भी बड़ी गंदी ट्रैफिक है, लेकिन जो मसला यहाँ पे है ना गुजरांवाला से, जब भी मैं गुज़रता हूँ मुझे हर दफ़ा इमरजेंसी ब्रेक्स लगानी पड़ती हैं, लाजमी ऐसा होता है। यानी कि बाइक इधर से आती है और ये टाइटैनिक शिप जैसा गीगा मॉल आ चुका है, और गीगा मॉल मीन्स के हम रावलपिंडी एंटर हो चुके हैं। देखते हैं कुछ खाने को रात के लिए, तो यहाँ से कुछ खाते हैं और फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं अपनी ड्राइव को। रात के बज चुके हैं जी 2, और हम इस टाइम पहुंचे हैं मानसहरा क़यामतान। तो 9 घंटे की मुसलसल ड्राइव हो चुकी है, तो अब मेरा ख़्याल है थोड़ा सा सो लेना चाहिए हल्का फुल्का सा, ताकि अब आगे कोई 1 घंटे का सफ़र रह गया बालाकोट का। आगे तो मेरा ख़्याल है कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे सोया जा सके, तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मेरा ख़्याल है सफ़र शुरू किया जाए और फिर सीधा इंशाल्लाह नारान की तरफ। मेरी आंखों से पता चल रहा होगा कि कितनी थकावट है और कितनी नींद है। तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं सफ़र करते हुए, तो कोशिश की थी रात को 2 बजे सोने की लेकिन नींद नहीं आ सकी, तो अब इंशाल्लाह नारान पहुंच के कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा सो लें फिर ट्रेन जाएंगे। अभी हम पहुंचे हैं जी
बालाकोट, बालाकोट के अंदर से सिटी के अंदर से जाते हुए गुजर रहे हैं। और अभी हमारा वो पॉइंट आया जहाँ पे कुम्हार दरिया कुम्हार शुरू होता है, और उस टाइम साथ साथ नीचे दरिया कुम्हार चल रहा है और बहुत स्पीड में चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त स्पीड आ रहा है। तो वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। जी वर्ल्ड्स हाईएस्ट जिप लाइन, वाह यार, ये मेरा ख्याल है हम कि वही पहुंच चुके हैं वहाँ पे, ऐसी आबशार हैं। अच्छा एक चीज़ जो है ना जो बड़ा दिल दुखाती है, ये है कि जहाँ पे भी कोई प्यारा पॉइंट आता है ना, वहाँ पे कोई ना कोई स्टॉल या कोई ना कोई होटल बंद हो गया।
नहीं, लोग नहीं यहाँ पे परेशान हो रहे, चेक करो ज़रा कैसे इंजॉय कर रहे हैं जो यहाँ पे खड़े हो के निकलवा रहे हैं गाड़ियों में भी फुल इंजॉय करने लगे हुए। और इंजॉय करने हैं और सही इंजॉय कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह को भी याद रखना चाहिए साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निकाल लें हम भी यहाँ से। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बस जब आपको बहुत ज़्यादा रश नज़र आना शुरू हो जाए और बहुत ज़्यादा कंडीशन सड़क ख़राब हो तो समझ लें कि आपका नुकसान आने वाला है, तो ये सिचुएशन शुरू हो चुकी है और वो सामने आपके रश है। आपको एक नेचुरल फ्रीज़र दिखाता हूँ, अल्लाह ताला की कुदरत, ये चेक करें यहाँ से बर्फ़ कैसे मेल्ट हो रही है, सुभान अल्लाह। और बहुत ही मज़े का व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये है डेंजरस, तो मेरा ख्याल है जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए हमें, तो चलते हैं फिर। इस दफ़ा आप लोगों ने एक चीज़ नोट की है, आप कैसे नोट करेंगे, आप तो नहीं है इस टाइम यहाँ पे इधर, तो मैं बता देता हूँ फिर आपको। वो चीज़ ये है कि इस दफ़ा बाइक्स वाले बहुत ज़्यादा है, सामने मेरा ख्याल है कि आबशार या चश्मे हैं जहाँ पे काफ़ी सारा रश लगा हुआ है, और ये वही वाला पॉइंट है जहाँ पे अक्सर रुकते हैं, तो इधर रुकते हैं फिर थोड़ी देर एंजॉय करते हैं थोड़ा सा बच्चों के साथ। Thank you.
अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड पे जो घर नजर आ रहे हैं ये पता चल रही है, लेकिन जी वो ये हुआ यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो फाइनली ये एक होटल मिला है यहाँ पे, जमान खान जमान होटल। तो सामान निकाल के रख लेते हैं। अच्छा जी, ये था वो बॉक्स और ये था उसके अंदर हमारे खाने का सामान जो मैंने शुरू वीडियो के शुरू में रखा था। अच्छा, देखने में भी अच्छा है और अंदर से चेक किया सारा, कांच में मिला है, अच्छी कंडीशन है, ठीक है, ओके हो गया।